इंसानों को आपने जानवर खाते, घास खाते या फिर सांप खाते कई दफा सुना होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो मिट्टी खाकर ना सिर्फ जिंदा है बल्कि फिट भी है। विश्वास नहीं होता तो देखिए इस रिपोर्ट को। बचपन में बच्चों को चौक खाते, मिट्टी खाते तो आपने जरूर देखा या सुना होगा, लेकिन अगर 110 साल का बुजुर्ग मिट्टी खाता हो तो ये सुनकर आपको हैरानी होगी। बड़े ही प्यार से मिट्टी खाते ये शख्स 110 साल के कारू पासवान है। कारू 10 साल की उम्र से ही मिट्टी खाकर जिंदा है। कारू पासवान हर दिन लगभग 250 ग्राम से 500 ग्राम तक मिट्टी खाते हैं और इसे खाए बिना वे रह भी नहीं सकते। एक तीन साल चार साल के बाद हमको मिट्टी धरा दिया, चूल्हा फोड़ को खा गए और कुछ खा जाए, ईटा के मकान फोड़ के खा जाए। खाते खाते बहुत लोग इधर उधर ले गया, हित नाता सब, कहीं हम छोड़े नहीं उसी, आज तक भी चलिए रहा है। कहाँ का मिट्टी खाते हैं? पहाड़ों मिट्टी। कभी कोई परेशानी दिक्कत कुछ नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत। इनकी सेहत का अंदाजा आप इनकी 110 साल की उम्र से लगा सकते हैं। जब हमारी टीम कारू पासवान की सेहत की तहकीकात करने डॉक्टर से मिली तो उन्होंने बताया कि मिट्टी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर कारू बिल्कुल स्वस्थ है तो वे जिस मिट्टी को खाते हैं उसकी जांच करनी होगी। वो मिट्टी भी जांच का विषय है कि उस मिट्टी में क्या ऐसा खनिज लवण है जो उसके शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं डालता है और अच्छा प्रभाव डाल रहा है। ना ही उसका पेट बड़ा है, ना ही स्प्लीन बड़ा है, ना ही उसका लीवर बड़ा है, ना ही कभी उसको राउंडवर्म की शिकायत है। आई साइट भी उसका बहुत अच्छा है। तो ये एक जांच का विषय है कि वो जो मिट्टी खा रहा है वो मिट्टी किस जगह खाता है। किसी एक जगह खाता है जिसका मतलब है कि उस मिट्टी में कुछ खनिज लवण या मिनरल्स ऐसा है जो उस व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है। कारू पासवान के मिट्टी प्रेम को देखकर सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मिट्टी दिवस पर सम्मानित भी किया गया है। हालांकि परिवार वाले उन्हें मिट्टी खाने से कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। साहिबगंज से समाचार प्लस के लिए प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।